कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, इसके मैं 10-15 एग्जाम्पल लूंगा, कॉरपोरेट एग्जाम्पल लूंगा, कुछ अपने शास्त्रों में क्या कहा है वो भी कोशिश करूंगा बताने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, दूसरे भी प्लेलिस्ट है दूसरे सब्जेक्ट्स के, वो जरूर से चेकआउट कर दीजिएगा। तो कंसेप्ट ऑफ चैरिटी ये भारत में ज्यादा फॉलो किया जाता है एज कंपेयर टू बाकी देश। जैसे बहुत सारे घरों में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए बनती है, ठीक है, और जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो हॉरोस्कोप दिखाने, वो बोलेगा कि आप कुत्तों को रोटी या बिस्किट दो, गाय को रोटी दो, या चींटियों को शक्कर दो। इन सब के बोलते ना कार्मिक कारण हो सकते हैं, उन सब के धार्मिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। सो चैरिटी क्या है कि आप लव एंड काइंडनेस अनकंडीशनली, नाउ सच्चा दान धर्म पुण्य किसको बोलते हैं, जब आप दान करते हो लेकिन कुछ रिटर्न का एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और अपने शास्त्रों में, और सच्चा दान उसको बोलते हैं कि आपने किसी गरीब को 10, 20, 50, 100 रुपए दिया बिना उसके आंखों में देखकर उसको शर्मिंदगी ना हो। तो आप 10, 20, 100 बिना आंखों में देखे दो और वहां से तुरंत निकल लो, ये सच्चा दान माना जाता है। मतलब उसके आंखों में देखकर आप ये नहीं देखना चाहते कि वो लाचारी नहीं देखना चाहते, एट द सेम टाइम आप उसे थैंक्स नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि थैंक्स चाहोगे तो आपका ईगो कहेगा कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे थैंक्स दो, तो दान कैसे हुआ? आपने फिजिकल दान किया लेकिन इमोशनल थैंक्स चाहा तो एक्सचेंज हो गया ना। तो असली दान आप दान करो और वहां से निकल जाओ तुरंत, बिना सम्मान पूर्वक दो और फिर तुरंत रुको मत वहां पे। सो चैरिटी, लोग कई बार देखो मीम्स आते हैं या वीडियोस आते हैं जिसमें लोग चैरिटी में पूरे वीडियो शूट करके डालते हैं, वो सच्चा चैरिटी थोड़ी हुआ। वो तो आप लोगों से आपकी खुद की तारीफ करा रहे हो कि आपने कोई गरीब के लिए दान किया, वो तो एक प्रकार का बिजनेस हुआ। आप यहाँ पे 10 रुपए का दान कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो और उसमें आप यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट से कमा रहे हो, तो दान थोड़ी हुआ, वो तो बिजनेस हुआ। लॉजिक समझ में आया? सो चैरिटी एक प्रेशियस और दिल से किया जाता है, सोलफुल कहा जाता है। आप सोसाइटी का ख्याल रखते हो, आपके घर का ही नहीं। वैसे सबसे बड़ा दानी कर्ण को माना जाता है, आया समझ में? सो चैरिटी आप इनवर्ड रिकॉग्निशन, अंदर आपके एक दया भाव है जिसके थ्रू आप दान धर्म पुण्य करते हो। सो आप देखोगे ना, इस वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं। आप हर एक कोई भी ऐसा इंसान जो पूरा जिंदगी से पूरे प्रकार के सेटिस्फाइड आपको मिलेगा नहीं। किसी को फिनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को शादी में प्रॉब्लम, किसी को बच्चों का प्रॉब्लम, शादी नहीं हुई तो आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप के प्रॉब्लम इश्यूज, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब में सेटिस्फाइड नहीं, बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो फैमिली में इश्यूज है, फैमिली ठीक है तो किसी को हेल्थ इश्यूज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम में है ही, ठीक है। सो चैरिटी का पर्पस क्या है? आप पब्लिक बेनिफिट रिलीफ असिस्टेंस दे रहे हो उसको, जो विक्टिम्स ऑफ वॉर, आप सोचो यूक्रेन वॉर में जो गरीब लोग हैं उनका क्या हालत होता होगा, पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, लेडीज लोग को कितना दिक्कत होता होगा। सो नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उन लोग पानी कहाँ से पिए, बाढ़ का पानी गंदा, फिल्टर भी नहीं, खाने का प्रॉब्लम। कॉलेज में थे ना, पूना में एमिटी के कॉलेज में बोट जा रहे थे, फॉर वीडियोज आए थे, कॉलेज के अंदर पानी घुस गया था। तो सोचो गांव में जहाँ पे आपके घर के बोलते ना ग्राउंड फ्लोर तक पानी आ गया, आप चूल्हा जला नहीं सकते, आप बिल्डिंग के टेरेस में हो क्योंकि आपके आप डूब जाओगे, तो खाना कहाँ से आएगा? तो लोग जब दान धर्म पुण्य करते हैं तो इसका क्या भगवान देखता होगा, है ना? तो सच चैरिटेबल पर्पस
ये यंग लोगों को सिखाना जरूरी है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करो, शूट मत करो वीडियो। ये लोग पहले शूट करते हैं और फिर सब जगह फॉरवर्ड करते हैं। अरे उसकी मदद तो करो, वीडियो शूटिंग से क्या होगा? आपको, आप वापिस अपना फेम चाहते हो, किसी का तकलीफ में आप फेम चाह रहे हो, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। सिंस ये दुनिया जब से क्रिएट हुआ, भेदभाव हमेशा से रहा है, रिच पुअर, स्ट्रॉन्ग वीक। तो यदि जिसके पास पैसा है रिच, इफ ही हेल्प द स्ट्रॉन्ग, इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग ही हेल्प द वीक, रिच हेल्प द पुअर, सॉरी, स्ट्रॉन्ग हेल्प द वीक। लेकिन जैसे जंगल में देखा गया है, वो इंसानी में नहीं होना चाहिए कि अमीर स्ट्रॉन्ग ने वीक को दबाकर वो आगे बढ़ा, तब तो वीक लोअर सेक्शन में रह जाएगा। आज अफ्रीका के देशों में सबसे ट्रेजेडी मैंने सुना जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे में लोग भूखे हैं, फसल खराब हो गए हैं, तो 200 हाथियों को मारकर उसका अन्न वो लोगों को खिलाएंगे, ऐसा उनका प्लान चालू है। तो इंडिया के अंबानी गवर्नमेंट ने वहाँ के साउथ अफ्रीकन के कुछ देश को बोला कि आप मत मारो, हम उनको जिंदा रखने के लिए और आपको कुछ पैसा देते हैं। वनतारा है ना अंबानी का, इन लोगों ने बोला अफ्रीकन देश को कि हम आपको पैसा देते हैं, मत मारो जानवर। वो बोल तो रहे मारने का, तो इंडिया के अंबानी मदद कर रहे हैं उनकी। तो जानवरों को क्यों मारा जाए, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो करप्शन की वजह से देश पीछे रह गया। और एक और कारण है, ब्रिटिशर्स 1985 तक थे अफ्रीका में करीबन, तो डेवलपमेंट लेट हुआ, तो वो तो होना ही था ना। सो चैरिटी का सोसाइटी के प्रति क्या है? आप जब दान करते हो तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, आप सोसाइटी में रहते हो तो आप सोसाइटी की ताकत में जुड़ जाते हो। नेक्स्ट जनरेशन लोगों को सिखाया जाता है कि बस अपन चार लोग का फैमिली नहीं है, पूरा भारत अपना फैमिली है, पूरा दुनिया अपना फैमिली है। सस्टेनेबल मतलब लोगों का जीना कंटिन्यू रहे, गरीबी कम होता है, डोनर को ही फायदा होता है क्योंकि नाम होता है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, और बहुत सारे सोशल इश्यूज का टेंशन आता है, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट होता है क्योंकि आप जैसे मास्क बांट रहे हो या गरीबों को अन्न दे रहे हो, कुछ हॉस्पिटल में अन्न फ्री में दिया जाता है। बॉम्बे का टाटा मेमोरियल, मैं तो प्रणाम करूंगा टाटा वालों को कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो 10-15 लाख 20 लाख कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो कुछ संस्थाएं जो जुड़े हुए, आपके पास पैसा नहीं है तो 50,000 में ट्रीटमेंट हो जाएगा, कहाँ 15 लाख, कहाँ 50,000 में, वो लोग आपको कनेक्ट करवा के देते हैं, टाटा वाले महान लोग एकदम। तो चैरिटी इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्टेड है, सो यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज आपका बढ़ता है। सो देखा ना कोविड-19 82 ईयर रतन टाटा, सो 500 करोड़ उन्होंने दिया था कोरोना वायरस फाइट करने के लिए। सो देखा जाए तो चैरिटी में जब जब भारत में नाम आएगा, मुझे लगता है टाटा का नाम सबसे ऊपर आएगा। यदि कभी मुलाकात हुई किसी टाटा से तो गर्व की बात है कि उन्होंने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है वो जिंदगी में कोई भूल नहीं पाएगा, है ना।